आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन्य जैव विविधता संस्थान हैदराबाद में जो वैकेंसी आई हुई है एलडीसी की पोस्ट के लिए और एमटीएस की पोस्ट के लिए, उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट इसका नंबर देखें, इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर की आवश्यकता हमें फॉर्म भरते समय पड़ेगी, इसमें लिखना पड़ेगा फॉर्म में। अब देखते हैं वैकेंसी। सबसे पहली वैकेंसी है एलडीसी की पोस्ट के लिए लोअर डिविजनल क्लर्क। इसकी अगर 7th CPC के अनुसार पे लेवल देखें तो 19,900 से 63,200 इसकी बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल एक पोस्ट है वो भी OBC कैटेगरी के लिए। इसके बाद इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखें तो 12th क्लास सर्टिफिकेट यानी 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट इसमें टाइपिंग स्पीड होना अनिवार्य है। एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स और जो अधिकतम एज होगी 27 ईयर्स इसमें होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर की हमारी वैकेंसी है MTS की पोस्ट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लेवल 1 की ये वैकेंसी है। पे स्केल इसका अगर देखें तो 18,000 से 56,900 इसका बेसिक सैलरी होगी। इसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं, एक वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए, दूसरी एक है जनरल के लिए और एक है SC कैटेगरी के लिए। तो इस प्रकार टोटल 3 वैकेंसी इसमें होने वाली हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर इसमें देखें तो अभ्यर्थी को 10th पास, 10th के साथ साथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस यानी कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस किस किस का चल सकता है इसमें, या तो गार्डनिंग का हो, या फिर इलेक्ट्रिकल सर्विसिंग का हो, क्लीनिंग सर्विसिंग का हो, व्हीकल मैकेनिक का हो, प्लम्बिंग का हो, या सिक्योरिटी ड्यूटी। इन सभी में से किसी में भी कम से कम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें होना अनिवार्य है, अधिकतम कितना भी हो सकता है। इसके अलावा एज की अगर इसमें बात करें तो इसमें भी मिनिमम एज 18 ईयर्स और अधिकतम एज 27 ईयर्स इसमें आवश्यक है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें हमें फॉर्म के साथ 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किसी भी नेशनलाइज बैंक से बनवा के फॉर्म के साथ अटैच करना है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें 2 प्रकार के एग्ज़ाम होंगे। पहला होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 50% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 45% और SC ST कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाने इसमें अनिवार्य हैं। जो भी अभ्यर्थी रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो LDC की पोस्ट है उसकी स्किल टेस्ट के लिए टाइपिंग होगी 1:5 में इसको बुलाया जाएगा, यानी एक पोस्ट के लिए 5 बंदों को बुलाया जाएगा, तो ये इसका रेशियो रहने वाला है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन होगा वो पूर्णतः रिटर्न बेस पर आधारित होगा। जो रिटर्न का मेरिट होगी उसके आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग बेस होगा। इसके अलावा पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, अगर जॉब लगने के बाद में कहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो द कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट विल बी पोस्टेड एट ICFRE IFB हैदराबाद और इट्स सेंटर, यानी हैदराबाद या फिर इसके जहाँ भी सेंटर हैं वहाँ पे कहीं पे भी इनकी पोस्टिंग की जा सकती है। और जॉब लगने के बाद में चेंज भी इसमें इसके सेंटर में हम करवा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से। इसके बाद हमें जो लिफाप है, एनवलप है, उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 31 जुलाई, अंतिम तिथि इसकी होगी। इसका जो फॉर्म होगा ऑफलाइन बेस होगा, ये इसका पता है द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी डुलेपल्ली कॉम्प्ले SO हैदराबाद थ्रो पोस्ट ओनली, यानी पोस्ट के माध्यम से, एक स्पीड पोस्ट हो, रजिस्टर्ड पोस्ट हो या फिर साधारण डाक, कोई भी डाक हो उसके माध्यम से इसको भेजना है ताकि ये समय से पहले वहाँ पहुँच जाए। इसके बाद इसमें जो हमारे आवश्यक दस्तावेज हैं जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए, आधार कार्ड हो गया, इसके अलावा 2 फोटोग्राफ्स जिन पे पीछे की साइड में बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा होगा, ये हमें इसके साथ भेजना है। लेकिन जो आवेदन वाला लिफाफा है, बाहर वाला लिफाफा है, उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिखना अति आवश्यक है। इसके अलावा फिर जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होगा वो इसकी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। इसका जो फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म का नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम फॉर्म देखें तो इस प्रकार का फॉर्म इसमें होगा, इस फॉर्म को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसको डाल दिया जाएगा। इस तरीके का फॉर्म होगा, इसमें पहले हम एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ ये लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो हमने शुरू में बताया था वो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ फिल करने हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस RS 300, डीडी वो डिमांड ड्राफ्ट नंबर और डेट, नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम इसमें भरना है। इसके बाद में नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो अभ्यर्थी है उसका नाम बड़े अक्षरों में इसमें लिखना है। इसके अलावा फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, अगर कोई महिला इस पोस्ट के लिए आवेदन करती है तो हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मेल फीमेल, एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस अगर है किस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो इसमें लिखना पड़ेगा, और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, डेट। इसके बाद में एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ जो सेल्फ अटेस्टेड होगी, यहाँ अपने साइन करने हैं उस पर फ़ोटो पेस्ट करके। और इसके अलावा दो, जैसा कि हमने बताया था फॉर्म में, दो पासपोर्ट साइज़ की अन्य फ़ोटोग्राफ भी फॉर्म के साथ हमें भेजनी है, जिस पर बड़े अक्षरों में पीछे की तरफ अपना नाम लिखा हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।